ઉમરગામ ટાઉનના લાયન્સ ચિલ્ડ્રન પાર્ક ખાતે લાયન્સ ક્લબ ઓફ ઉમરગામ તથા વાપી ઉદ્યોગનગર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને વાપી આઈ હોસ્પિટલના સંયુક્ત વિઝન સેન્ટરનું ઉદઘાટન તેમજ નેત્રયજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં ઉદઘાટક તરીકે લાયન્સ ક્લબના ડિસ્ટ્રીક્ટ ગવર્નર સંજીવ કેસરવાની તથા અતિથિ વિશેષ તરીકે ઉદ્યોગપતિ ઈશ્વરભાઈ બારી તથા યુઆઈએના પ્રમુખ શ્યામભાઈ તેમજ નગરપાલિકાના પ્રમુખ રામશબરસિંહ અને પાસ ગવર્નર પીડી ખેડકર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. લાયન્સ ક્લબ દ્વારા યોજાયેલ નેત્રયજ્ઞમાં દર્દીઓના આંખની તપાસ કરી જરૂરી સારવાર અને રાહતદાર ચશ્મા વિતરણ કરવામાં આવ્યા હતા. મેં લાયન્સ સંજીવ કેસરવાની ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર ડિસ્ટ્રિક્ટ સીટું અમારી જો સીમારેખા હૈ ભરૂચ એટલે કે ઉમરગાંવ શિલ્પાસ દમન લગભગ 75 ક્લબ આતી હૈ ઓર ઇસ 75 ક્લબ મેં એક ક્લબ હૈ ઉમરગાંવ લાયન્સ ક્લબ ઓફ ઉમરગાંવ ઓર આજ ઉમરગાંવ કે પાસ યે જો ગાર્ડન કા એક શરૂઆત કિયા હૈ બચ્ચો કે લિયે સમાજ કે લિયે કે સમાજ મેં બચ્ચો કો સહી દિશા મિલે સહી માર્ગદર્શન મિલે ખેલને કૂદને કી જગહ મિલે उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे कि उमरगांव का एक प्रयास था 3 साल पहले और आज इन्होंने गार्डन बनाकर उद्घाटित कराया गवर्नर के साथ. दूसरा हमारा वापी में दूसरी एक क्लब है वापी उद्योग नगर जिसके प्लस ब्लड बैंक है स्कूल है और आई हॉस्पिटल है. उस आई हॉस्पिटल का एक दूसरा सेंटर उमरगांव के साथ मिलकर यहाँ एक विजन सेंटर का हमने इसलिए चालू किया है कि विजन सेंटर में जो कैटरेक मोतिया का ऑपरेशन आज के डेट में 10-12 हज़ार रुपये खर्चे से होता है और हम लोग लगभग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे उमरगांव तालिका में लोगों को मोतिया नाबूद करें. मतलब कि कैटरेक बिना कैटरेक का कोई भी आदमी कैटरेक के साथ नहीं रहे ऐसी हमारी योजना है. तो हम फ्री कैटरेक के लिए कैंप करने वाले हैं. यहाँ पर विजन सेंटर लोगों के आंख तपास की जाएगी. हमारा इंटरनेशनल का जो प्रोग्राम है 5 प्रोग्राम फूड फॉर हंगर भूखिया को खाना खिलाना विजन जिसमें हमारा आई चेकअप और कैटरेक ऑपरेशन मतलब अंधत्व निवारण का जो काम है मेरा पूरा ये अंधत्व निवारण हम पूरे उमरगांव तालिका से चालू कर रहे हैं. उसके लिए एक विजन सेंटर आज उद्घाटित किया गया जहाँ पर 2 डॉक्टर 1 हेल्पर 1 नर्स 3-4 आदमी स्टाफ रहेंगे. डेली यहाँ पर सर्विस होगी और हर वीक में या 15 दिन में हम गाँव में जाकर कैंप करेंगे. वहाँ से जो कैटरेक या मोतिया के आदमी पेशेंट मिलेंगे उनको हम वापी ले जाकर उनका ऑपरेशन कराएंगे और वहां से पूरा इसको हमारा जो है कि 1-1.5 साल के अंदर में उमरगांव तालुका पूरा मोतिया नाबूद कर दे यही एक हमारी धारणा. एक मैं लायंस पीडी खेड़कर लायंस क्लब ऑफ वापी उद्योगनगर मेंबर हूँ. लायंस क्लब ऑफ वापी उद्योगनगर चैरिटेबल ट्रस्ट का एक लायंस आई हॉस्पिटल वापी में है. वहाँ से एक शाखा लायंस आई विजन सेंटर इधर उमरगांव में खोला हुआ है. उसके अंदर आँख की पूरी जांच करने के लिए स्लिट लैम्प ऑप्थल्मिक चेयर यूनिट है. फंडस फोटो रेमिडो का है. इनडायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोप है. टोनोमीटर है जिसकी वजह से अपन आँख का रिफ्रैक्शन यानी नंबर निकालने का उसका प्रेशर चेक करने का और उसके लिए इसमें पूरी जांच कर सकते हैं. कैटरेक डिटेक्ट हो सकता है. ग्लोकोमा डिटेक्ट हो सकता है. इसके सिवाय रेटिना का प्रॉब्लम जो भी होगा वो रेमिडो फंडस के कैमरा के वजह से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं. इसकी ट्रीटमेंट वापी में भी कर सकते हैं. जैसा कि कैटरेक आया है तो हम वापी में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं. रेटिना का प्रॉब्लम आ गया तो रेटिना का कितना प्रॉब्लम है जो डायबिटिक होता है उसका रेटिना के ऊपर ज़्यादा असर होता है और रेटिना खराब हो गई तो दिखाई नहीं देता है. तो ये अत्यंत वेरी नेसेसरी जरूरत है कि गांव के लोगों के अंदर जो शुगर होता है उनको पता नहीं चलती और उसकी वजह से उनका अंधत्व बढ़ता है. वो अंधत्व निर्माण करने के लिए हम लोगों ने ये सुविधा शुरू की है और हमारा एक उद्देश्य है कि सबके सहयोग से इंडस्ट्री है नगर पालिका है इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है और गांव के जितने भी क्लब हैं उनका सहयोग लेके पूरा उमरगांव में कैटरेक फ्री ऑपरेशन करने का कैटरेक फ्री आदमी को करने का एक हमारा उद्देश्य है. वो हम लोग पूरा करने के लिए यहाँ एक विजन सेंटर खोला हुआ है जिसकी वजह से वो लोगों को यहाँ आके वो सुविधा मिल सकती है. नज़दीक वहाँ वापस आने की जरूरत है जब उसको बाकी की ट्रीटमेंट चाहिए तब डिटेक्शन डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. पूरी तरह से हॉस्पिटल इक्विप किया हुआ है तो ये उमरगांव से हमने शुरुआत की है. वापी में हॉस्पिटल चल रहा है. काफ़ी लोगों का रिस्पांस अच्छा है. यहाँ भी रिस्पांस आज की तारीख में बहुत अच्छा है. 2-3 दिन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इसको हम पूरा करेंगे. मंडे वेंसडे और फ्राइडे 3 दिन हम लोग लगातार यहाँ लोगों को जांच करते रहेंगे. कैंप जैसा हो जाएगा 100-200 पीपल आके उनको जाँच करके उनको जो जरूरत जो ट्रीटमेंट है वो भी करेंगे.